हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेस्टी गाजर का हलवा, वो भी बिना मावा और बिना घी के। हलवा बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फुल फैट मिल्क का। हलवा बनाने के लिए मैंने 2 किलो गाजर को कस लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 किलो फुल फैट मिल्क। दूध में जब अच्छा उबाल आ जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे कसी हुई गाजर। गाजर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम ही रखेंगे। फुल फैट मिल्क के साथ जब हम हलवा बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। दूध अब उबलते उबलते लगभग आधा हो चुका है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। दूध की क्वांटिटी अब यहाँ 1/4 हो चुकी है और मावे की फॉर्म में भी दूध आने लगा है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे आधा किलो चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है। दूध पकते पकते पूरी तरह से मावे की फॉर्म में आ चुका है और इस स्टेज पर हम डालेंगे आधा कटोरी कटे हुए काजू और आधा कटोरी कटे हुए बादाम। इन दोनों को भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई इलायची। इलायची पाउडर डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मेथड से बनाए हलवे में टाइम तो बहुत लगता है पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हलवा लगभग बनकर रेडी है। इस मेथड से बनाए हुए हलवे का टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।